गुड आफ्टरनून एवरी वन, वेलकम टू योर ऑनलाइन लेक्चर. सब्जेक्ट मराठी, टॉपिक इज भाज्यांची नावे. हम लोग ने पहले के चैप्टर्स में क्या पढ़े, फूलांची नावे यानी फ्लावर नेम, फळांची नावे यानी फ्रूट नेम. नाउ वी विल लर्न भाज्यांची नावे. भाज्यांची नावे यानी वेजिटेबल्स के नेम. नावे मीन्स नेम, भाज्यांची मतलब वेजिटेबल. आपको इंग्लिश में वेजिटेबल्स तो पता है, टमाटो, पटेटो, ब्रिंजॉल, लेडी फिंगर. अब सेम वही वेजिटेबल्स के नेम हम मराठी में रीड करेंगे. ओके, सी दिस फर्स्ट पिक्चर. फर्स्ट पिक्चर आपको किसका दिख रहा है? अगर मैं आपको इंग्लिश में पूछूंगी तो यू विल से टमाटो. ओके, टोमेटो, उसको टोमेटो बोलते हैं. क्या बोलते हैं? टमाटो नहीं बोलते, टोमेटो. तो वैसे ही लिखेंगे भी, देखो टोमेटो मराठी में उसको लिखेंगे टोमेटो. ट के साथ ओ है, म के ऊपर ये अन की मात्रा है, टोमेटो. ओके, सेकेंड इज लेडी फिंगर. लेडी फिंगर को हम लोग मराठी में क्या बोलेंगे? भेंडी. देखो पहला वाला भ है, ए की मात्रा अन, तो भेंड, ड के साथ ई, भेंडी. लेडी फिंगर को क्या बोलेंगे? भेंडी. ब्रिंजॉल, ब्रिंजॉल है थर्ड पिक्चर, उसको हम लोग मराठी में क्या बोलेंगे? वांगी. ये देखो वा है और अन की मात्रा लगाए, तो वांग, ग के साथ ई, तो वांगी. ब्रिंजॉल को क्या बोलेंगे? वांगी. फोर्थ पिक्चर इज कैरोट. कैरोट को क्या कैसे लिखेंगे? गाजर. क्या बोलेंगे? गाजर. तो ग के साथ आ लगाए, गा, ज और र मिलाए तो बन गया गाजर. तो कैरोट को हम लिखेंगे गाजर. उसके बाद एवरीवन नो दिस पीस. इंग्लिश में जो हम पीस को क्या बोलते हैं? सब लोग वटाना. हम लोग ने पोयम भी पढ़े थे फर्स्ट स्टैंडर्ड में, वटाना, फुटाना, सेंग दाना. तो उसी से देखो, इसको वटाना नहीं बोलते, वाटाना बोलते हैं, क्योंकि व के आगे आ है और ट के आगे भी आ है, तो वाटा ना बोलते हैं, वाटाना. ओके, उसके बाद पोटैटो. पोटैटो को बोलते हैं मराठी में बटाटा. ब ट के आगे आ, ट के आगे आ, बटाटा. पोटैटो बटाटा. दिस इज कैबेज. कैबेज को क्या बोलेंगे हम लोग? कैसे घर में क्या बोलते हैं? गोभी, गोभी. इट्स नॉट गोभी. मराठी में इसको बोलेंगे कोबी. क के साथ ओ, ब के साथ ई, कोबी. कैबेज को क्या बोलेंगे? कोबी. उसके बाद व्हाट इज द पिक्चर? रेडिश. रेडिश को हम लोग क्या बोलेंगे? मूड़ा. म के नीचे ऊ लगाए, मूड़ा के आगे आ, मूड़ा. नाउ दिस पिक्चर इज ऑफ पंपकिन. पंपकिन को क्या बोलते हैं मराठी में? भोपड़ा. भ के आगे ओ लगाए, भो, प और के आगे आ, भोपड़ा. पंपकिन, भोपड़ा. दिस इज ऑनियन. ऑनियन को बोलेंगे कांदा. क के साथ आ लगाए और अन की मात्रा डाले तो बना कान, और द के साथ आ, तो कांदा. दिस इज स्पेनिश. स्पेनिश बोलते ना, तो हम लोग पालक बोलते इसको, तो इसको मराठी में भी पालक ही बोलते हैं. प के आगे आ, ल और क, तो पालक. नाउ व्हाट इज दिस? कॉलीफ्लावर. कॉलीफ्लावर को यहाँ पे सिर्फ फ्लावर बोलते हैं. आधा फ लेंगे, ल के आगे आ लगाएंगे, अन जैसे मात्रा लगाएंगे और व र लिखेंगे, तो कॉलीफ्लावर. उसके बाद है ये बॉटल गर्ड, जिसको आप लोग घर में क्या बोलते हैं? दूधिया या लौकी. लेकिन इसको मराठी में क्या बोलेंगे? दूधी भोपड़ा. क्या बोलेंगे? दूधी. द के साथ ऊ लगाए, दू, और ध के साथ ई, दूधी. भ के साथ ओ, प और अ के साथ आ, भोपड़ा. दूधी भोपड़ा, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉटल गर्ड. उसके बाद ये क्या है? गार्लिक, लहसुन. तो ल स के साथ ऊ, और ये वाला न यूज़ करना, सीधा न कौन सा यूज़ करे, तो लहसुन. ओके, उसके बाद है कैप्सिकम. कैप्सिकम को क्या बोलते हैं? भोपड़ी मिर्ची. तो भ के साथ ओ लगाए, भो, प और डी, र के साथ ई, तो भोपड़ी. म के साथ छोटी वाली ई की मात्रा, छोटी वेलांटी, र और च के साथ बड़ी वेलांटी, तो मिर्ची, भोपड़ी मिर्ची. कैप्सिकम को क्या बोलेंगे? भोपड़ी मिर्ची. लास्ट पिक्चर इज ऑफ बिटर गुड, करेला. आप सब क्या बोलते हैं इसको? करेला, करेला. तो इसको बोलते हैं लेकिन कारले. मराठी में क्या बोलेंगे? कारले. क के साथ आ लगाए, क, र और ल के साथ ए, कारले. नाउ आई विल रीड ऑल दिस पिक्चर्स वन. फर्स्ट वाला क्या है? टोमेटो, तो उसको टोमेटो ही बोलते हैं. लेडी फिंगर, भिंडी. ब्रिंजॉल, वांगी. कैरोट, गाजर. पीस, वाटाना. पोटैटो, बटाटा. कैबेज, कोबी. रेडिश, मूड़ा. पम्पकिन, भोपड़ा. ऑनियन, कांदा. स्पेनिश, पालक. कॉलीफ्लावर, फ्लावर. बॉटल गार्ड, बॉटल गॉड, दूधी, भोपड़ा. गार्लिक, लहसुन.
कैप्सिकम, पोपड़ी मिर्ची, बिटर गॉर्ड, कारले, ये मैं आपको रीडिंग्स में ले सकती हूँ ओरल के टाइम पे, सो लर्न दिस बाय हार्ट। भाज्यांची नावे में ये क्वेश्चन भी आएगा कि रिकाम्या जागा भरून भाज्यांची नावे पूर्ण करना, मतलब रिकाम्य जाके बोलूं मतलब फिलअप्स। तो पहला नेम से कोई यहाँ पे गा है और र है और ब्रैकेट में क्या लिखा है कैरोट, तो कैरोट को हम लोग मराठी में क्या बोलते हैं गाजर, तो ज लगाएंगे, क्या लगाएंगे खाली ज, क्योंकि कैरोट से हमको पता चला कि एक वर्ड कौन से भाजी का नाम बन रहा है गाजर। अभी ऑनियन, ऑनियन को क्या बोलते हैं हम लोग कांदा, देखो क कान को लिखा हुआ है, क क्या क्या और अन लिखा हुआ है कान, तो हमको लगाना है दा कांदा, ओके। ये क्या है टोमेटो, टो भी लिखा है टो भी लिखा है, तो खाली हमको क्या लगाना है टो मै, ये मैं होता है ऐसा ऐसा जो बनता है उसको बोलते हैं मैं टोमेटो। तो आपको ये हिंट के लिए दिया रहेगा फिलअप्स कंप्लीट करने के लिए, पहला कैरोट के लिए हम लोग गाजर तो ज नहीं लिखा रहेगा, ऑनियन के लिए कांदा दा नहीं लिखा रहेगा, टोमेटो में टो रहेगा म नहीं लिखा रहेगा, तो यू कैन कंप्लीट दिस स्टेप। तो सीधा फोर्थ वन इज गार्लिक, गार्लिक को क्या बोलते हैं लहसुन, तो पहले ब्लैंक में हम लिखेंगे ल, पहला ब्लैंक खाली था ल, फिर क्या बोलते हैं सुन, तो स के नीचे उ, तो लहसुन, लहसुन यानी गार्लिक। उसके बाद क्या है पोटैटो, पोटैटो को क्या बोलते हैं मराठी में बटाटा, तो पहले वाले डेफ में लिखेंगे ब, दूसरे वाले में लिखेंगे टा, ब टा टा यानी पोटैटो। लास्ट वाला है पीस, पीस यानी क्या वाटाना, तो हम लोग वा लिखा हुआ है और ना लिखा हुआ है, तो हम लोग डैश में क्या लगाएंगे टा वाटाना। ये जो फिलअप्स है पूरी 1 2 3 4 5 6 यानी पहला वाला गाजर, कैरोट, कांदा, ऑनियन, टोमेटो को टोमेटो ही, लहसुन, गार्लिक, पटाटा, पोटैटो, वटाना, पीस, ये पूरा आप 2 times नोटबुक में कॉपी करोगे, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस भाजियांची नावे इन मराठी, थैंक यू।